ये प्याज भी ना इतना बदल जाएगा, क्या कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। अब जैसे हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सबके रिश्ते इतने बदल जाएंगे। कार्तिक वेदिका का तलाक, दादी की नजरों में महापाप। तलाक के पेपर्स देख दादी हुई बेहोश। दादी बनी वेदिका की ढाल। रिश्तों की उलझन में फंसे कार्तिक नायरा और वेदिका के लिए वेदिका ने तलाक का रास्ता निकाला, लेकिन दादी को ये रास्ता पसंद नहीं आया और तलाक के दौरान ही दादी बेहोश हो गई। और दादी की ऐसी हालत देख गोयनका फैमिली में खलबली मच गई। रेडी फॉर द डिवोर्स, बट ऑब्वियसली डिवोर्स देने में, तलाक देने में उस लड़की पर भी बहुत कुछ बीत रही है और ही अंडरस्टैंड्स दैट, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि अगर हम साथ में रहेंगे तो हम दोनों ही दुखी रहेंगे और तीनों ही दुखी रहेंगे। इनफैक्ट कि कार्तिक नायरा वेदिका तीनों ही दुखी रहेंगे और अगर बच्चे को पता चलेगा तो अलग ही वोल्केनो हो जाएगा। दादी की हालत जब कुछ बेहतर हुई तो कार्तिक ने तलाक पेपर्स पर साइन कर दिए और दादी ने भी कार्तिक वेदिका के फैसले को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद वेदिका ने फैसला कर लिया कार्तिक नायरा और पूरे गोयनका फैमिली से दूर जाने का। जब वो डिवोर्स पेपर लाते हैं वेदिका, तो दादी को एक उनके बीपी बढ़ जाता, तो उस रात को उस सब चीजें रह जाती है। वो लोग प्रे करते हैं कि जो भी हो ठीक हो, एंड इट्स ऑल लेफ्ट टू गॉड, एंड नेक्स्ट डे दे एग्री ऑन साइनिंग द डिवोर्स पेपर। अरे कार्तिक, हम समझ सकते हैं कि वेदिका के साथ साथ आप और नायरा दोनों इस वक्त किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन शायद इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं था। खैर, वेदिका तो घर छोड़कर चली गई है और अब आप भी पुरानी बातों को भूल जाइए और जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।